top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. छह केसेस हम लोग विक्टोरिया में जमा करवा चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। आज ही आज में दो फ्लैट में चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे वो रहते नहीं थे, वो सिर्फ एक घंटे के लिए बाहर गए थे। सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर नहीं है, कोई भी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, बस ये गेट पे थोड़ी ग्रुप फोर है, बाकी सब टाइम पे काफी हैवी मेंटेनेंस और गार्ड फीस देते हैं। उसके बावजूद हमें सीसीटीवी कैमरा और उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर आप देखें इन टावर्स की तरफ, इफ यू कैन जस्ट शो कि जो जी एच एंड आई टावर्स हैं वो अभी तक बने नहीं है, जिसकी वजह से लेबर पूरा टाइम अंदर है। जो चाबियां मिली हैं वो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में मिली हैं, विच इज वेरी बैड। ये गार्डों से मिली वगैरह मैं ऐसा नहीं कहूंगा किसी एक गार्ड या किसी गार्ड की कंपनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर मेंटेनेंस स्टाफ के भी काफी लड़के हैं और लेबर काफी घूम रही है। तो मेरे ख्याल से गार्ड पे प्रेशर ना करके सिस्टम ठीक किया जाए, क्योंकि देखिए गार्ड ग्रुप फॉर सिक्योरिटी है। मेरा नाम अंजू है, एरिया में रहते हैं सेक्टर 77। देखिए यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में तो सब जानते हैं कि जो बिल्डर ने हमें प्रॉमिस किया था कि थ्री टायर सिक्योरिटी देंगे, तो थ्री टायर के नाम पे वन टायर भी नहीं है। यहाँ पे गार्ड्स जो है सीसीटीवी कैमरा कहने को है, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के नाम पे कुछ भी नहीं होता, खाली फुटेज रिकॉर्ड होती है, उसे चेक करने वाला भी कोई नहीं होता। अभी फिलहाल आज 10:30 बजे दो चोरियां हुई हैं, उससे पहले भी पी टावर में एक चोरी हो चुकी है, तो इसके ऊपर बिल्डर कोई भी एक्शन भी नहीं लेता, और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गार्ड की मदद से चोरी हो रही है ये तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वी नेवर नो, हम बिना किसी सबूत के ऐसा नहीं कह सकते कि गार्ड की मदद से जिस तरह से दिन में चोरी है, नहीं, इस पे एक शक की निगाह जरूर जाती है। जो टावर गार्ड बैठता है उसके ऊपर कुछ शक की निगाह जाती है कि 7-8 फ्लोर से बंदा चोरी करके कैसे लेके जा रहा है, और जा भी रहा है तो अगर बेसमेंट से भी जा रहा है तो बाहर गार्ड मेन गेट से कैसे बाहर निकल रहा है। तो लेकिन इसके ऊपर जो है बिल्डर को सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें थ्री टायर सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया था, और आज तक उन्होंने थ्री टायर सिक्योरिटी के नाम पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है। और इतना महंगा फ्लैट खरीदने के बावजूद लोग घर में सुरक्षित नहीं है, जो जॉब पे जाते हैं उनके पीछे से डर लगा रहता है कि पता नहीं जब आएंगे तो घर सुरक्षित होगा भी कि नहीं होगा। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है, मैं P802 प्रतीक विस्ट एरिया सेक्टर 77 नोएडा में रहता हूँ। ये मेरा फ्लैट है। क्या हुआ? हम जब 10:30 बजे बच्चे को लेके गए थे आज सुबह डॉक्टर से दिखाने, और 12:15 बजे सवा घंटे के दरमियान जब हम वापस आए हैं, तो मैंने देखा कि बाहर का लॉक जो है वो टूटा पड़ा था, गेट पूरी खुली पड़ी थी, और अंदर जो है सामान बिखरा पड़ा था। तो हमने तुरंत गार्ड को बुलाया, बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया, तो फिर हमने देखा कि हमारे सारे गहने वो गायब थे, और हमारे नीचे वाले फ्लोर के इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में कुछ गहनों के डब्बे, खाली डब्बे वो फेंके हुए थे। फिर हमने जब देखा कि बगल वाले घर का क्या स्थिति है, तो उसमें भी हमने देखा कि उनके भी घर में सेम तरीके से चोरी की गई थी। मेरे यहाँ से कम 4-5 लाख तक का सामान हमारा गायब हुआ है, चोरी ज्वेलरीज में, और कैश जो है वो 70-80 हजार का हमारा कैश था। जैसे मैंने देखा वैसे पहले तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उसके बाद वो दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, फिर वहां से उन्होंने रूट किया उस नंबर को, पुलिस आई थी नोएडा में भी, पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस आई थी, वो देख के गए। उनका कहना है कि ये तो बहुत साफ सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर रहते हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कर रहे हैं। सर पहले तो मैं बता दूं ये 22 लाख का नहीं, ये 45 लाख का फ्लैट है। और दूसरा ये है कि जहां तक चोरियों की बात है और गार्ड की बात है, तो ये किसी न किसी मेंटेनेंस स्टाफ का मिलीभगत है, क्योंकि उनके नॉलेज के बिना इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म में चोरी नहीं हो सकती थी। ये मैं चोरी नहीं कहूंगा, ये डकैती कहूंगा, क्योंकि फोर्सफुली ये एंट्री की गई है सारे दरवाजों को तोड़ करके, इसलिए मैं इसे डकैती कहूंगा, चोरी नहीं कहूंगा। अगर बाई चांस हमारे घर में कोई लेडीज होती, ओल्ड एज होते, तो शायद उन्हें वो मार सकते थे सामान ले जाने के लिए। तो ये बेसिकली डकैती है, और बिना इनके मिली भगत के ये संभव नहीं है। सब आएंगे अभी, जब मकान कच कराएंगे ना आप, अभी सब आएंगे। निकाला है तो कुछ नीचे मेरा है, और बाकी तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक ठीक वो
कुछ भी नहीं छुआ है, केवल पासपोर्ट के हिसाब से जेवर हेलो अली बहुत दुख की बात है, जोड़ी हो गई, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ठीक है, नहीं ना, हम क्यों डरे, हम डर नहीं रहे, हमारी ड्यूटी, मैं देखिए, हमारी ड्यूटी इस मेन गेट पे ही सिर्फ है और अंदर नहीं है, तो अंदर वाले क्यों बना तो गेट पे जो परमिशन मुझे जो आपके मिलेगा वो इसी दिन का वो बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी वाले खड़े हैं, बात कर रहे हैं, हाँ कंपनी वाले इधर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें वो भी तो परमिशन देंगे, क्योंकि हमने उनको बता रखा है, वो कहेंगे ध्यान तो जाने, गाड़ी कैसे रोक रखी मेरी गाड़ी, गाड़ी ये दिक्कत है ना, मीडिया खुल जाएगी, क्यों नहीं, किसी की चोरी हुई है, अगर भागा आया, देखिए भागा आया, ये होता जाएगा।